नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। जी हां, चुनावी साल में कांग्रेस ने पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी है। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के नए मुखिया बन गए हैं। प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका सौंपी गई है। प्रोफेसर जीतराम भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक रंजीत रावत को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आर्यंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पार्टी ने 3 सदस्यीय चुनाव प्रचार कमेटी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को सौंपी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल में उत्तराखंड में भी पंजाब फार्मूला अपनाया है। नए नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस कोर कमेटी के 16 सदस्यों में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता AICC प्रभारी देवेंद्र यादव करेंगे। पूर्व उत्तराखंड PCC प्रमुख किशोर उपाध्याय को कांग्रेस की उत्तराखंड समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नवप्रभात को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके उपाध्यक्ष पूर्व सांसद महेंद्र पाल होंगे। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह को आउटरीच कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, जबकि विजय सारस्वत को प्रशिक्षण कार्यक्रम समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने इतने बड़े स्तर पर फेरबदल किए हैं उत्तराखंड में, क्योंकि आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव है और ये एक बड़ी चुनौती है। आपके देखिए 11 सदस्य विधानसभा में थे, 11 ग्रुप थे। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड में पंजाब के तर्ज पर संगठन में फेरबदल किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा चिंतन करके, मंथन करके, मनन करके जो जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी है, उन सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे और उसके साथ साथ 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे में स्थापित करने में अपना योगदान देने का काम करे। देखिए, पार्टी में कभी कभी जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होता है वो इसलिए होता है कि ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम किया जा सके, तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने की ये पहल लगती है। पार्टी में विचार विमर्श होते हैं, हमारी पार्टी जो है वो पूर्ण विचार विमर्श के उपरांत फैसले लेती है और वही फैसले लिए गए। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बड़े फेरबदल पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ असंतोष और कलह है। हालात ये हैं कि 11 विधायकों की पार्टी में से 5 अध्यक्ष बनाने पड़े हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। मैंने कहा ना कि देखिए 11 सदस्य विधानसभा में थे, 11 ग्रुप थे, आज भी 4 बनाने के बाद भी एक ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। नवप्रभाजी असंतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, इसीलिए अब जनता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं। मैंने कहा तो कांग्रेस ने 2022 के लिए देवभूमि में अपनी सेना उतार दी है। आपको बता दें कि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार इसमें फेरबदल हो गया है। उत्तराखंड में लागू कर दिया गया पंजाब कांग्रेस का फॉर्मूला, यानी एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष। आलाकमान ने सबको खुश करने की कोशिश की है, यानी सभी को साधने की कोशिश हुई है। खेमे, जातीय और क्षत्रिय समीकरण साधने का भी प्रयास किया गया है। हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, यानी कि प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं हरीश रावत के हाथों में चुनाव अभियान की पूरी कमान होगी। आपको बता दें कि हरीश रावत का जो कद है उस कद में कोई समझौता नहीं हुआ है। गणेश गोदियाल को हरीश खेमे में रहने का इनाम मिला है, यानी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। गणेश गोदियाल के सामने दिग्गजों को संभालने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस में या किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह है उसे संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उत्तराखंड संगठन, खासकर कांग्रेस संगठन में हरीश रावत का दबदबा देखने को मिला। कांग्रेस की चुनावी नैया खेने का पूरा दारोमदार हरीश रावत पर है। हाईकमान से मनमाफिक फैसले कराने में हरीश रावत पूरी तरीके से कामयाब रहे। हालांकि
प्रीतम सिंह का भी दबदबा रहा है। उत्तराखंड में मुख्य चेहरा बनने में सफल रहे हैं हरीश रावत। पहाड़ में प्रदेश अध्यक्ष भी पसंद का बनवाया गया है, यानी उत्तराखंड में अपने पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हरीश रावत का दबदबा देखने को मिला। और अब सवाल यह है कि 2022 जो एक बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो हरीश रावत पर पूरे दारोमदार के साथ, यानी कि पूरे मजबूती के साथ हरीश रावत मैदान में उतरने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसकी पूरी रणनीति के साथ एक प्रदेश अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है उसमें सबको साधने की कोशिश की गई है, ताकि लोग, यानी सभी वर्ग के लोगों में एक जोश पैदा हो और पूरे मन लगाकर काम करें। यानी जो भी वहां पर दिक्कतें आ रही थी, जो अंतर्कलह की बातें कही जा रही थी, हालांकि विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि 11 विधानसभा यानी विधायक वाली पार्टी इस वक्त कांग्रेस जो उत्तराखंड में है, जिसमें 5-5 अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी एक अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष, हालांकि इसमें जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, इन सब का ज़्यादा रोल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तैयारी के साथ जो समीकरण बनाया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में बीजेपी के सामने में कांग्रेस क्या एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी, या फिर, और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। सबसे पहले कमलेश उनियाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज कोहली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम पार्टी से ओपिनियन लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि नीरज कोहली को अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उत्तराखंड के सिनेरियो को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में जो कांग्रेस ने एक बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, वहां के अंतर्कलह को खत्म करने के लिए पंजाब के तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये जो फॉर्मूला है वो कितना कारगर होगा? नीरज जी, नीरज कोहली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, नीरज जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनसे बात करने की। मथुरा दत्त जोशी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत बधाई। काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर जो अंतर्कलह जो चल रही थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई है, और ये जो फार्मूला बनाया गया है, इस फार्मूले से कितना फ़ायदा होगा? मैं सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमलेश उनियाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। हेलो जी भाई साहब, मुझे आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कांग्रेस, हेलो जी कमलेश जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ कमलेश जी, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, संगठन को मजबूत बनाने के लिए नया फार्मूला लागू किया गया है, आपके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्या आप इसे चुनौती मानते हैं? नहीं, हम तो ये कोई चुनौती नहीं है, खैर ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है जी। लेकिन कांग्रेस जो आज संविधान की बात करती है या कांग्रेस पार्टी अनुशासन की बात करती है, तो ये जो इन्होंने 250 लोगों को कि एक पंचायत इकट्ठा करके उनको संतुष्ट किया है, ये आगामी 2022 में 250 लोग ये टिकट के दावेदार हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि पहली बार ये संविधान की दुहाई देते हैं, इनके खुद के संविधान में भी चार कार्यकारी अध्यक्ष की कोई व्यवस्था भी नहीं है, उसके बाद ये खाली एक संतुष्ट करने के लिए इन्होंने बनाया है, और जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानेंगे तो भारत के संविधान को क्या मानेंगे। दूसरी अनुशासन की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका अनुशासन साफ झलक रहा है। अरेंद्र शर्मा जी को 2017 में सहसपुर विधानसभा चुनाव से लड़ने के उपरांत पार्टी वित्त के खिलाफ, वो विप के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे, और अभी उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था 2017 में, तो एक हंसी का बात है कि उनको उनका निष्कासन पूरा नहीं हुआ कि उनको कोषाध्यक्ष की इनको ने ताजपोशी कर दी है, तो ये तो इनकी अनुशासन की बात है। और जहां तक इनकी बात करते हैं तो इनके हरीश रावत एक 2017 की फ्लॉप फिल्म है, वो 2022 में कोई नहीं देखना चाहेगा। दो स्थानों से आ रहे, बहुत अच्छे नेता है और उनकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन ये जरूर है
कि आप ये देखिए, ये तो खाली एक अपने संगठन में जो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव 2 महीने बाद किया है, तो ये दर्शाता है कि इनके संगठन में कितनी एकता है। और नौ प्रभात जो आज इनसे जो ब्रह्मदत्त जी के जो केंद्रीय पेट्रोल मिनिस्टर रहे हैं उनके लड़के खुद नाराज हैं, नौ प्रभात जी ब्रह्मदत्त के लड़के, और वो खुद आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में कोई पद नहीं लेना चाहूंगा। तो इनके यहाँ ऑलरेडी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। कमलेश उनियाल जी, होता यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आपकी भी पार्टी में अंतर कलह तो लगातार जारी रहती ही है, देखने को मिलता है उसमें, और कई गुट बन जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के तरफ से एक सार्थक जो प्रयास किया गया है कि इन गुटबाजी को, अंतर कलह को खत्म करने की कोशिश की गई है। चलिए हम कोशिश करते हैं नीरज कोहली, हम आपके पास आएंगे, अभी आपका आपका जवाब हम ले लिए हैं। नीरज कोहली, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीरज कोहली जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मथुरादत जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये अच्छी बात है कि एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है पंजाब के तर्ज पर, उत्तराखंड में भी। क्या इस फॉर्मूले के बाद से संगठन में जो भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, जो खींचतान हो रही थी, या फिर जो गुट में बटे हुए थे अलग अलग लोग, वो सब खत्म कर पाएंगे? मथुरादत जोशी जी। जी 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 जी, आ रही आवाज मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलिए। देखिए, कोई फार्मूला तय नहीं है, सही कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया है। संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए हर व्यक्ति को उसका, हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट संगठन में किया गया है, हर व्यक्ति का एडजस्टमेंट किया गया है। जितने ज्यादा लोग साथ कर सके उतना बढ़िया है, और क्षेत्रीय संतुलन भी बनाए रखना है, जाति समीकरण भी देखने हैं, तमाम चीजें देख के पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी है। उससे निश्चित रूप से फायदा होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी तैयारी सारे प्रदेश में तैयारी चल रही है, प्रत्येक विधानसभा में एक एक सचिव की। ठीक है, इसका फायदा होगा, लेकिन सवाल ये है जी मथुरादत जोशी जी, सवाल ये है कि जी जी, एक प्रदेश अध्यक्ष से काम नहीं चल जाता, चार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, हुआ ऐसा कुछ नहीं, अध्यक्ष जी के सहयोग के लिए इन लोगों की नियुक्ति की है। निश्चित रूप से अध्यक्ष भी काम चल सकता था, अब तक भी चलता था, लेकिन और ज्यादा संगठन को डिसेंट्रलाइज। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये समीकरण साधने के लिए है, जाति को साधने के लिए है, अंतर कलह को खत्म करने के लिए है, या फिर एक नया फॉर्मूला है, क्या है ये? ये संगठन का विकेंद्रीकरण है, और ज्यादा संगठन को डिसेंट्रलाइज किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। चार से चार हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको चार सेक्टर में बांटते हैं, इसके बाद अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस हिसाब से 15 से लेकर 17 तक की विधानसभाएं एक व्यक्ति को मिलेंगी, कुछ ऐसा ड्राफ्ट करेंगे आने वाले जी। संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी, बातचीत कर सके, इसलिए संगठन का विस्तार किया गया है, इसलिए हमारे नए लोगों को ठीक है जोड़ा गया है, अच्छे लोगों को, अनुभव वाले लोगों को जोड़ा गया है। आप देख लीजिए, उसमें सभी पूर्व विधायक हैं, पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं, तो दो तीन तीन बार। जी जी ठीक है। संजय भट्ट जी, सभी संगठन में एक मजबूती से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं फतह 2022 को करने के लिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। आप भी जानते हैं धर्मराज जी, और बाकी मेरा नाम विद्यासागर है, संजय भट्ट जी, सॉरी क्षमा कीजिएगा विद्यासागर जी, विद्यासागर जी, देखिए आप भी जानते हैं, और जो मेरे साथ हम लोग जो डिबेट में बैठे हैं, चाहे उनियाल जी हो भाजपा के प्रवक्ता, चाहे मथुरादत्त जोशी जी हो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की दस्तक जब उत्तराखंड में हुई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया और घर घर जाना शुरू किया, डोर टू डोर किया, और अपनी जो दिल्ली की योजनाएं हैं, दिल्ली का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, उसे घर घर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी लगातार अब उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उसके बाद आपने देखा कि हमने जो पहला हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ जो
मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि आपने अगर पांच काम किए हैं जनता के लिए तो वो पांच काम गिनवा दीजिए। अरे आप कहां की बात कहां घुमाते हैं, आम आदमी पार्टी वालों का टॉपिक क्या है, बोल क्या रहे हैं? वो पांच काम गिना लीजिए, चार काम के लिए गिनवा सके। आपको तो शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री की छुट्टी हो गई जिसके बाद जीरो वर्क सीएम की छुट्टी हुई, उसके बाद दूसरे सीएम आएंगे ठीक नहीं है बोलने। तीरथ सिंह, अरे तीरथ सिंह रावत, संजय भट्ट जी संगठन की बात करिए, तीरथ सिंह रावत जी जीरो विजन सीएम साबित हुए, वो भी जीरो सीएम साबित हुए। समझ नहीं आता है, आम आदमी पार्टी वाले जो आए हैं इनका भी यही हाल रहा। और ये तो वो सीएम है जो ये कहते हैं कि मैंने ना किसी की चोरी रोकी ना मैं किसी की चोरी रोकूंगा, तो ये सब आतंकवादी तो आतंकवादी नहीं चलेंगे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस में परेशान है लोग। हालत नीरज कोहली जी को मेरी आवाज आ रही है, एक मिनट रुकिए, आवाम जरा पत्रकार से ओपिनियन ले लेते हैं। नीरज कोहली जी आपको मेरी आवाज आ रही है, कांग्रेस को भी अपना बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना अध्यक्ष बदलना पड़ा। मैं संगठन पे पूछ रहा हूँ, संजय भट्ट जी आज संगठन पे बात करिए, सरकार पे बात हो चुकी, करप्शन पे बात हो चुकी है, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस मेरा सिर्फ ये कहना था कि आम आदमी पार्टी का जब से उत्तराखंड में पदार्पण हुआ है, आम आदमी पार्टी जनता की लगातार आवाज उठा रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हालत चलिए ठीक है। कमलेश जी इन्होंने मुख्यमंत्री बदले, इन्होंने अध्यक्ष बदले, ठीक है ठीक है, कहीं नहीं टिके हैं। कमलेश जी कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है जी। कमलेश सुनियाल जी एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है, कमलेश जी एक नई कांग्रेस ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष, क्या इसी तर्ज पर बीजेपी भी आगे बढ़ेगी? नहीं नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इनके यहाँ जो भी घोषणा हुई 250 लोगों की, अब कोई अध्यक्ष बनता है तो वो क्या करता है, चुनाव समिति की घोषणा भी खुद करता है, अपनी सोशल मीडिया की भी घोषणा खुद करता है, अनुशासन समिति की घोषणा खुद करता है, पूरे पदाधिकारियों की घोषणा खुद करता है। लेकिन आप देखेंगे इनके यहाँ 250 के, क्योंकि इनको अपने प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश पे भरोसा नहीं था, और कलह ना हो जाए इसलिए दिल्ली से इनकी मैडम के यहाँ से पूरी की पूरी घोषणा हुई है। तो आप ये मान सकते हैं कि अनुशासनहीनता के अंदर ये बात करते हैं तो अरेंद्र शर्मा जो 2017 में सहसपुर से विधायक लड़े थे इनकी पार्टी के खिलाफ, पार्टी विप के खिलाफ, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। लेकिन आप ये देखिए ना, 2017 में उनका निष्कासन हुआ 6 साल के लिए और उनको पुनः पार्टी में ले लिया गया, तो ये बताती है इनका चाल चरित्र क्या है। ये संगठन की दुहाई देते हैं और इनके संविधान में नहीं है चार कार्यकारी अध्यक्ष का। और कार्यकारी अध्यक्ष होता क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष तब तक है जब तक नया अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो। ये तो खाली इन्होंने संतुष्ट करने के लिए अपने नहीं, जो झगड़ा है, लेकिन ठीक है, आपको इसमें दिक्कत क्या है, इनकी लड़ाई 2022 में तब भी रहेगी और गुटों में बटी कांग्रेस ये दिखा दिया है। कमलेश जी आपको इसमें दिक्कत क्या है, कांग्रेस ने अपनी एक नई पॉलिसी के तहत उन लोगों को जिम्मेदारी दी कि चार कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि सेक्टर वाइज बांटा जाए, जैसे कि अभी अभी मथुरादत्त जोशी ने यह बात कही है कि उन्हें अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी, इसी में समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, जातियों को साधने की कोशिश हो रही है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है, ये तो एक नई परंपरा है और इससे तो सीखना चाहिए। अच्छा मैं एक चीज बोलूंगा, देखियो मैंने तो पूर्व में ही आपको बताया था ये इनका घरेलू मामला है, 4 में 40 अध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना। मुख्यमंत्री बदले, 3 मुख्यमंत्री बदले आपने 3.25 महीने में, वो क्या आपका घरेलू मामला? अरे एक बात तो सुनो, मुख्यमंत्री बंदे हैं, एक बात सुनो, आप तो इनकी बेटी है, अरे आपका बीच में बोलना, आपका बीच में बोलना ये पता लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, दिखा रहा है, ये दिख रहा है, बेरोजगारी आप जितना फेवर लोगे तो दिख रहा है, जनता देख रही है, एक रोजगार आप तो बी टीम है, रोजगार है, तभी यही पता लग रहा है ना, ये पता लग रहा है कांग्रेस को हम कुछ कह रहे हैं तो आपके पेट में पीड़ा हो रही है, क्यों? क्योंकि आप बी टीम है कांग्रेस की।
इसीलिए तो आपको पीड़ा हो रही है, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? मैं तो सिर्फ नहीं, आपकी बारी आएगी तब बोलना ना, आप क्यों कवर कर रहे हैं कांग्रेस को? कमलेश जी आप ये बताएं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जब आपकी बारी आएंगी तब बोलना। मैं ये कह रहा हूँ, ये संविधान की दुहाई देते हैं, नियम कानून की दुहाई देते हैं, आप इनसे पूछे ना। 2017 में इन्होंने अरविंद शर्मा को 6 साल के निष्कासित किया गया था, तो फिर उसको बनाया, तो इसका मतलब जवाब देते हैं मथुरा जी से, कितने संविधान को मानने वाले हैं जो अपनी पार्टी का संविधान नहीं मानते? ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी मथुरा जी बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। देखिए मैं तो कमलेश जी का धन्यवाद करूंगा कि वो कम से कम कांग्रेस के लिए चिंतित है कि कांग्रेस ठीक चले, मेहनत से चले, ताकि कांग्रेस की सरकार 2022 में बने। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों उतावले क्यों हो रहे इतने बड़े, दे देंगे जवाब। यहाँ पर कोई खेत कल्याण का झगड़ा नहीं है आपका और हमारा, डिबेट हो रही है भाई, आप परेशान मत होइए। नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आप बड़े हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं कमलेश जी का, उन्होंने कांग्रेस के प्रति। नहीं कमलेश जी अभी कह रहे थे कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, तो डिबेट का मुद्दा ही यही था, तो इन्हें बताइए ना, डिबेट में आंतरिक और बाहर की बात नहीं है। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, किसी संगठन में, किसी संगठन की रचना उसके चरित्र को दिखाती है कि आने वाले प्रदेश को वो क्या चीज दे रहा है। आप ये बताओ, जब इनका आंतरिक मामला इतना बड़ा कल है, 2 महीने में नेता प्रतिपक्ष जो पार्टी चुन नहीं पाई, मैं तो उस बात पे जवाब दे रहा हूँ ना। दो माह में नेता प्रतिपक्ष चुन नहीं पाई। आप दोनों की बातें खत्म करिए, मथुरा जी को सुनिए। मथुरा जी, मथुरा जी बोलिए। देखिए मैंने कहा ना, कमलेश जी को चिंता हो रही है, वो ये भी परेशान है कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बना है, उनको ये पता ही नहीं कि नेता प्रतिपक्ष का भी अनाउंसमेंट हो गया है, और नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता तब पड़ती है जब विधानसभा रन कर रही हो। विधानसभा नहीं, मेरे को संज्ञान में है, पता है। उस समय नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी न विधानसभा चल रही है, न कोई अन्य विधायी कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी चिंता का हमने समाधान कर दिया है। आराम से रहिए, कोई टेंशन मत करिए, नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं, अध्यक्ष जी भी, नए अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, चार कार्यकारी अध्यक्ष भी आ गए हैं, और अरे बधाई हो आपको, बधाई हो, धन्यवाद धन्यवाद। जितनी भी चुनाव से संबंधित समितियां होती हैं, विभिन्न समितियां होती हैं, आपके यहाँ भी बनती हैं, और मुझे पता है आपके, हमारे तो कम लोग प्रभावित है, आपके यहाँ तो 500 लोग लगभग उसमें एडजस्टमेंट होता है, हर समिति में तमाम समितियां हैं, 12 लगभग समितियां बनी है, 3-4 समिति और भी बननी है जो चुनाव में काम करेंगे। अभी जिला स्तर, ठीक है। अब सवाल ये है मथुरा जी, क्योंकि टाइम नहीं है, हम बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहते हैं। संगठन में बदलाव तो हो गया, चुनाव भी करीब है, मुद्दा क्या होगा जनता के बीच जाने के लिए? पूरी पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं, 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किए हैं, जो कृत्य किए हैं, उनका भंडाफोड़ कांग्रेस करेगी, और पूरी प्रदेश में घूम घूम के जनता के बीच में हमारे वर्कर जाकर, जिस तरीके से इस सरकार ने बेरोजगारों को सताने का काम किया है, किसानों को सताने का काम किया, आत्महत्या करने को मजबूर किया किसानों को, महिलाओं के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया, बेरोजगारों के खून की होली खेलने का काम किया, विकास का पहिया इन्होंने जाम कर दिया, तो तमाम मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सक्सेस देंगे। जी कमलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष आप भी बदले हैं, 2012 से 2017 तक भी हरीश रावत जी या इनके संगठन में आपसी मतभेद के कारण जो विकास कर रहे हैं वो बाधित हुए हैं, और वही स्थिति अब आने वाली है, और हरीश रावत जी हो चाहे इनके कोई भी नेता हो, जनता इनके बकलाने में नहीं आने वाले हैं। आप ये बताइए ना, दो जगह से जो व्यक्ति ऑलरेडी हार रखा हो 2017 में और 2017 में हरीश रावत जी 2017 की, मैं बता रहा हूँ ना मथुरा जी, सुनिए ना, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं चुप रहे था आपके टाइम पे, अब मेरी बात भी सुन लीजिए, 2017 की, 2017 में जो फिल्म फ्लॉप है वो 2022 में नहीं चलेगी, दो दो स्थानों से हार रखे हैं, जनता ने पहले इन्हें नकार रखा है, अब ये किसी तरह का बदलाव करे क्या करे? दो स्थानों से वो भी हारे थे, आपको त्रिवेंद्र सिंह की याद नहीं है कि दोई वाला से भी हारे और राय वाला से भी हारे,
अब मैं राय वाला कोई सीट नहीं, नहीं वो राय वाला तंत्र में हारना मैं देखिए उत्तराखंड में तो ये तो मैं उसी आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी और ये एक बड़ा सवाल नहीं है, जो उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है वो आम जनता जानती है। और कांग्रेस ने पांच पांच अपने 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 जो खुद का उनका आपका संविधान है उसी के अंदर जो व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था में संतुष्ट करने के लिए आज ठीक है। तो आप सुने, आप सुनिए, जब आप अपने संविधान को नहीं मानते हैं तो हम तो ये पहले बोल रहे हैं, हम तो ये पहले बोल रहे हैं आप इसके संविधान को नहीं मानते। चलिए ठीक है, आप संजय भट्ट एक लाइन में छोटी सी प्रतिक्रिया जी। देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ने जो संगठन में अपने या मुख्यमंत्री बदलने में के कार्य किए, तीन मुख्यमंत्री दिए या पांच अध्यक्ष कांग्रेस ने दे दिए, इन दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, लाज नहीं है, लज्जा नहीं है। ये उत्तराखंड है जिस उत्तराखंड को मात्र बहनों ने शर्म तो आपको आनी चाहिए ना, मात्र जो आपके प्रवक्ता तुलना कर रहे हैं उत्तराखंड के कुत्ते के साथ, एक भी महिला को आप तुलना किससे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश उनियाल जी, मथुरा दत्त जोशी जी, संजय भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम उम्मीद कर सकते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने खोई हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए संगठन में फेरबदल करके और एक मजबूती के साथ मैदान में उतरने की कोशिश की जा रही है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि जितने भी कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति या खींचतान है वो धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। पंजाब में सिद्धू के बाद जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी, जितने भी खींचतान थे, लगभग लगभग वो खत्म होते जा रहे हैं। और वैसे ही उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी एक नया प्रयोग कितना साकार लेगा, कितना आगे जाकर इसका इसमें सफलता मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही।